जी जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्म्स में काम किया है, रॉडी राठौर में काम किया आपने, कॉमेडी नाइट विद कपल में काम किया आपने, यमुना पगला दीवाना में काम किया, आप कॉमेडी में जाने जाते हैं जी सर, अब आप तो इस शो में आ रहे हैं, शो में आने की खास वजह बताएंगे। देखिए ये शो जब हेड्स ऑफ ने ऑफर किया, जैसे आतिश एंड जेडी मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, 28-30 साल से हम दोस्त हैं और बहुत काम भी साथ में किया हुआ है, लेकिन हर शो हम नहीं करते साथ में। तो जब ये शो ऑफर किया गया मुझे इसकी कहानी इतनी पसंद आई कि होता है ना कि आतिश ने एक वन लाइन नरेशन दिया कि ऐसी ऐसी कहानी है, ये दो फैमिली की बात है, एक गुजराती फैमिली एक महाराष्ट्र फैमिली, और ये आइडियोलॉजी की बात है और हम आइडियोलॉजी में अपने कस्टम्स में हमारी वैल्यूज़ में बिलीव करने वाले लोग हैं। सो जब ये कहानी सुनाई गई, ये कहानी इतनी पसंद आई कि मैं एक डेढ़ साल एक्चुअली मैं ज़्यादा काम नहीं कर रहा था चिड़ियाघर के बाद, तो जब ये शो आया, उससे पहले मुझे बहुत शो ऑफर हुए थे, लेकिन जब ये शो आया तो मैंने कहा कि नहीं ये करना चाहिए क्योंकि इसमें एक ऐसी बात है जो मैंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं की। सो जब आप ये शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे बाखरवाड़ी चीज में है क्या चीज़? देखिए बाखरवाड़ी ना एक नमकीन है, ये नमकीन ज़्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र में बनती है, और पहले गुजरात महाराष्ट्र एक थे, गुजरात महाराष्ट्र अलग हुए। गुजरात में ये जो बाखरवाड़ी बनती है थोड़ी सी स्वीट बनती है, उसमें शक्कर होती है, और जो महाराष्ट्रन की बाखरवाड़ी बनती है वो थोड़ी सी तीखी होती है। आपको कौन सी पसंद है? मुझे दोनों पसंद है, इसलिए क्योंकि बीइंग अ गुजराती हम तो खाने के शौकीन होते हैं, तो गुजराती भाकरवाड़ी रेगुलर हमारे घर आती थी क्योंकि हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो भेजते थे हमें, और हम मुंबई में पले बड़े हैं सो महाराष्ट्र की भी भाकरवाड़ी खाते हैं। शो के कुछ ऐसे जो डायलॉग्स होंगे जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे जो आपको ज़्यादा पसंद आए? हाँ, ये मेरी एक तकिया कलाम है कि ये शो हिट होके रहेगा तुम लिख लो टेक इट फ्रॉम मी। आपने अक्षय कुमार जी के साथ में काम किया, आपने यमुना पगला में काम किया, आपका किसके साथ में ज़्यादा कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा? आपने कपिल शर्मा जी के साथ में भी काम किया है, तो किसके साथ में आप दोबारा काम करना चाहेंगे? मैं सबके साथ दोबारा काम करना चाहूँगा। बेस्ट आपका एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? बेस्ट ऐसा नहीं होता है दोस्त, क्योंकि वो क्या होता है कि हर प्रोजेक्ट में ना एक प्रोजेक्ट की अपनी एक एनर्जी होती है, और भगवान की दया से मैंने जितनी भी फिल्में की, जैसे आप नो एंट्री ले लो, वेलकम ले लो, तो अनीस बाजमी थे उसमें डायरेक्टर, और अनिल कपूर जी हैं, अक्षय कुमार, नाना पाटेकर। तो जब आप ऐसी पॉजिटिव टीम के साथ काम करते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। ये फिल्में हिट क्यों होती है बताएं? क्योंकि वो एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है, जब आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है तो वो दिखता है स्क्रीन पे। तो ये जो सारी फिल्में हिट होती है ना तो उसमें कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अक्षय कुमार जी हो गए, अनिल कपूर हो गए, या सलमान भाई हो गए, या नाना पाटेकर हो गए, या अभी धर्मेंद्र जी के साथ काम किया, सुपर टू वर्क विद, बिकॉज वो कभी आपको, बच्चन साहब के साथ आंखें में काम किया मैंने, वो आपको कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने देते कि आप बहुत छोटे कलाकार हैं, है ना, वो आपको एज अ कलीग ट्रीट करते हैं। सो वो जो आपको इक्वल स्टेटस देते हैं ना, वहाँ काम करने का बहुत मज़ा आता है। शो के दौरान, शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो आप शेयर करना चाहेंगे इंडियन न्यूज़ के दर्शकों के साथ? हम लोग बहुत प्रैंक करते हैं, हमने हमारे जो ये हीरो है अभिषेक, उसके साथ हमने एक छोटा सा प्रैंक किया था। पहले 2-3 दिन शूट हो गया ना, फिर हमने कहा कि अच्छा अभी एक ना आगे नया ट्रैक आने वाला है जहाँ पे अभिषेक को ना फर्दर स्टडीज़ के लिए हम लोग बोर्डिंग भेजने वाले हैं, सो 1-1.5 महीना तेरा शूटिंग नहीं आएगा। ओके, सो ये बात हमने शुरू की, फिर क्रिएटिव ने आके बोली, डायरेक्टर ने बोली, प्रोड्यूसर ने आके बोली, वो इतना परेशान था पूरे दिन, हमने उसको नेक्स्ट दिन बताई बात। तो हाँ, तो ये होता है कि ये प्रैंक चलते रहते हैं, मस्ती चलती रहती है, तब क्या थोड़ा सा लाइवली रहता है, नो एटमॉस्फेयर थोड़ा सा इजी रहता है। इंडियन न्यूज़ के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि इस शो को जाके क्यों देखें? शो को देखिए, ये शो में हम क्या देखते हैं, जब हम किसी भी चीज़ में ना फिल्म देखते हैं या शो देखते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हम एंटरटेन हों, हमें कोई प्रेशर ना हो, हम थके हारे घर आएँ तो हमें ऐसा हो कि हमारे चेहरे पर मुस्कान आए, हम खुश रहें। तो आप ये शो देखिए 8 बजे सोमवार से शुक्रवार, सोनी सब पर, भाखरवाड़ी। मैं आपको 100% आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ कि आप बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसमें कॉमेडी है, एंटरटेनमेंट है, इमोशंस है, थोड़ा सा ड्रामा है, हल्का फुल्का मिस्ट्री है, और आपको ये भी पता नहीं चलेगा यार 20-22 मिनट में एपिसोड ख़त्म हो गया, आप हुक्ड ऑन हो जाओगे, आप नेक्स्ट दिन ऑफिस से घर जल्दी आओगे ये शो देखने के लिए, ये मेरा आपसे वादा है।